और दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू इनोवेट डेटा सेवर। इंटरनेट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आप डेटा सेविंग फीचर्स को एक्टिवेट करके थोड़ा बहुत इंटरनेट डेटा बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका सिस्टम ऐप सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन कीजिए। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना है। नेक्स्ट डेटा यूसेज पे टैप करना है। यहाँ आपको सिम वन और सिम टू में डेली जो डेटा यूज़ किया हुआ है उसका हिस्ट्री देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डेटा यूसेज स्टैट पर क्लिक करना है। जो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करेगा उसका लिस्ट ऊपर से शुरू होता है। मान लो जो से एप्लीकेशन ज़्यादा डेटा ले रहा है, तो इसका बैकग्राउंड डेटा परमिशन ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप जो से एप्लीकेशन में रहेंगे इसका इंटरनेट परमिशन तो ऑन रहेगा, जब उससे बाहर आ जाएंगे इसका डेटा एक्सेस ऑफ हो जाएगा। तो व्हाट्सएप जैसा जरूरी एप्लीकेशन छोड़ के बाकी जो ऐप लगातार इंटरनेट खा रहा है उसका बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर दीजिए। इससे आपका इंटरनेट डेटा सेव होगा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके लिस्ट में कौन से एप्लीकेशन ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है। आजकल ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप और यूट्यूब एप्लीकेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों एप्लीकेशन उपयोग करते समय डेटा सेविंग का कुछ टिप्स बताऊँगा। तो फर्स्ट व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कीजिए। इसके बाद व्हाट्सएप सेटिंग्स के अंदर स्टोरेज एंड डेटा में जाना है। यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट मीडिया ऑटो डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डेटा का ऑल सेटिंग्स ऑन रहते हैं। मोबाइल डेटा ऑन करते ही फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट वगैरह ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से टिक मार्क हटा के ऑफ कर दीजिए। इससे डेटा भी बचेगा और फोन स्टोरेज जल्दी फुल नहीं होगा। नेक्स्ट, फोटो अपलोड क्वालिटी डेटा सेवर सेट करिए। दोस्तों, अब व्हाट्सएप एप्लीकेशन अननेसेसरी डेटा कंज्यूम नहीं करेगा। दोस्तों, अब सेकेंड एप्लीकेशन यूट्यूब ओपन कीजिए। यहाँ स्क्रॉल करते समय होम पेज में वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होता है, इस वजह से जब आप YouTube खोलेंगे तो डेटा बर्बाद होगा। इसे बंद करने के लिए प्रोफाइल आइकन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद जनरल में जाके प्लेबैक इन फीड्स ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट, वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस ऑटो सेट रहते हैं। अगर आपको इंटरनेट सेव करना है तो डेटा सेवर सेट कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से इंटरनेट डेटा बचा के पूरा दिन का मजा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।